तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫਰਮ ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ ਹਮਨੇ ਹਮਾਰੇ पहली दिवाली गुरुद्वारा से शुरू किया हुआ है। गुरुद्वारा में आके हमने दिए जलाया। आगे ऊपर टेरिस पे आप हम चलावांगे पटाके। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज हमने ब्लॉग शुरू किया है मार्केट से। दिवाली के शॉपिंग हो रहा है, गिफ्ट वगैरह ले रहे हैं, तो हमें लोग बर्फी खिला रहे हैं। प्रीम दुकान दुकान वाले के पास हम आते रहते, बोले पहले मुंह मीठा करो, तो हमने इनसे थोड़ा सामान लिया है, तो पैकिंग के लिए बोला है। हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, अब अभी और भी बहुत काम है। आ रहा है आज, तो आपको पता है दिवाली की वजह से पटाखा भी लगा। दिवाली दे तुहानू पता रात से बहुत आ मार्केट दे, ता के आपे फिर हार के आए हुए हैं। सो हुण असीं करके आ जी दिवाली दी शॉपिंग, ते तुसीं देख सकदे आ हार अज साडी भरी पई आ, क्योंकि आपां गिफ्ट लैके आए आ सारे वास्ते। सो आपां हुण अज जल्दी चा बाजार च, रात च बहुत, ता करके आपां ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाया हैगा, क्योंकि आप लेट भी सके, घरे मम्मी की सेहत नहीं ठीक। सो हुण आप जा रहे हैं घर नू, ते तुहानू घर जाके मिलते हैं। पटाके लैन वास्ते समझा ली, कहिंदी मेरे जुरजरी चाहिए, ओनू कहिंदी आ फुल झड़ियां। मैं पटाके लैन दे आ तंजा वास्ते भी लैंदे छोटे छोटे, ते उन्होंने मैं सरप्राइज देना, मैं उन्होंने दसिया नहीं सी अज दिवाली हैगी आ। सो मैं रख दिते आ स्टोर रूम दे विच। सब तो पहला तुहानू सारिआं नूं दिवाली दीआं बहुत बहुत मुबारकां। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बोथ ऑफ अस, और हमारी फैमिली की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली। अपनी दिवाली अच्छे से एंजॉय कर ले। आई होप तुहाडी दिवाली बहुत वधिया चल रही होगी। भाई असीं भी तुहानू विखाउने आ, असीं दिवाली सैलीब्रेट कर रहे हैं। असीं अज थोड़ा छोटा ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि साडे कोल थोड़ी जी घर मम्मा जी ठीक नहीं सीगे, तां करके होर भी काम सीगे, ज्यादा असीं ब्लॉग नहीं बना सके। हुण असीं सब तो पहला जा रहे हैं जी गुरु घर दीवे जलाने वास्ते। ये वाला ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि हमारे मम्मी जी बीमार थे, क्योंकि जब यहाँ पे पाठ था तब से बीमार है, तो अभी थोड़ा तभी अच्छे से दिवाली इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं मम्मी जी बीमार होने के कारण। एनीवेज जितना हो सके हम आप लोगों को वीडियोज में दिखाते हैं। तो अभी हम नए घर आए हुए हैं और जी अरने जा रहे हैं गुरुद्वारा। आप कर लिया तैयारी, पहला आप जावे गुरुद्वारे, फिर आप बालेंगे दीवे। सो चलिए तंजा। तो मैं तंजा जा रहे हैं जी गुरुद्वारा, दीवे लैके नाल तंजा जा रही है मेरे। पहला उत्थे आप दीवा जगा के आने, उस तो बाद असी घरे आके जगावांगे। गुरुद्वारा साहब पहुंच के थोड़े नाल गल करते हैं। देख सकते हैं अज काफी रौनक हुई पई है दिवाली करके, सारिया ने आपके घरे लाइटिंग की हुई, लड़िया लाइया हुई, बस रोशनी रोशनी हो पई है। सो हुण असीं पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब, थोनू अंदर जाके दर्शन कराने। आज हम तलन साहब गुरुद्वारा नहीं, आज हम के कौन से गुरुद्वारा आए सर? हाँ जी तलन साहब नहीं, आज असीं जा रहे हैं, साडे घर दे कोल ही गुरुद्वारा साहब हैगा, असीं उत्थे जा रहे हैं। चलिए। सो मैं तंजा हूँ पहुंच चुके हैं जी गुरुद्वारा साहब, आप रेडी कर लिया दीवे का समान,
ते आपा हुन जा रहे हैं मत्था टेकन अंदर थे करना दीवा मेरे हाई जी नहीं जा रहा नहीं नहीं चले जाएगा कोई ना दीवे को आगे करना इससे जला लो ना और इस बार हमारी दोनों की शादी के बाद पहली दिवाली है तो वी आर सेलिब्रेटिंग हमने स्टार्ट किया है गुरुद्वारे से कृपा करो महाराज सो आपा हुन जगा दिता दीवा हमने हमारे पहली दिवाली गुरुद्वारा से शुरू किया हुआ है गुरुद्वारा में आके हमने दीये जलाया और कैंडल्स भी जलाना है ना कैंडल्स भी जलाते हैं ना हाँ जी सब जलाते हैं हाँ जी सो हुण असीं गुरद्वारे अपने कैंडल्स ते दीवा जगाता सी हुण असीं अंदर जा रहे हैं मत्था टेकन पहला पथारी रखे ही है ना हाँ। आ जा क्यों नहीं इधर ही रख लेते आपको पता है कोई कुछ नहीं ओके चल इधर रख दे फिर असीं आ डब्बा अंदर चढ़ा देना हाँ। पकड़ो इसको हाँ जी सो हुण असीं जा रहे हैं गुरु घर दे अंदर गुरु घर मत्था टेक लिया तो प्रसाद चढ़ाता हुण असीं जा रहे हां जी घर नूं वापस शकली प्रसाद भी सकली आ प्रसाद भी सकली आ हां जी सो हुण असीं जा रहे हां जी वापस घर नूं प्लेट चक लेईए प्लेट चकेंगे चल जा जी प्लेट चक के लिया दोवें आ चुके हां जी वापस घरे अज असीं दूजे घर आए जिहड़ा हुण असीं तैयार कीता नवां घर ते आपां उत्थे आके लाइटिंग करनी आ सारियां लाइटां लूट जगाण वालियां तुसीं देख सकदे आ इधर कोई आया नहीं सी हले सो हुण आपां चलदे आ अंदर हां जी लाइट ऑन करदे आ फिर आप सबसे मुलाकात करते हैं हां जी हाँ जी सो हुण असीं लाइटां लुइटां ऑन कीतियां घर थल्ले ते उपर वालियां हले कर लईआं बाहरलियां जिहड़ियां लाइटां लाईआं सी उह वी करनीआं ऑन ते तंजा किवें हां जी हो गई रेडी ਸੰਜਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਸੰਜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਨੇ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆ ਦੀਵੇ ਐਤਕੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਾ ਹੈ ਬਲਾ ਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਹੈ ਬਲਾ ਬੋਲਤੇ ਹੈ अब ये नहीं बना था पानी डाला तो फिर थोड़ा सा पानी डालो इसका शॉर्ट सर्किट होगा और ये जग जाएगा ऐसे ऐसे करके बात खत्म पानी से तेल की जरूरी नहीं है डैडी जी ऐसा टेक्निक लेके आए हैं इस बार पानी वाले दीवे तो जग गए चाटी ते जेडे रहंदे आ ओदे विच हुण तेल पा के आपां जगाउणे शुरू करने आ इत्थे दीवे तेल वाले ते पानी वाले हो गए रेडी यार मेनू फड़ा दे तू रख कौन सा वाला रख इत्थे रख दे चल ਬਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਭੀ ਕਿਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਏਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਲੌਗ ਆਏਗਾ ਜਦ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮਠਿਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਟੂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਹਸਬੈਂਡ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਚੜਨਾ ਮਤ ਕੱਲ ਲੜੇਗੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਜਿਆ ਉੱਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪੇਟੀ ਚੱਕ ਲਾ ਓਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਨ ਗਰਲ ਆਏ ਥੇ ਬਟ ਹਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਆਏ ਥੇ ਹਮੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਅਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੋ ਆਪ ਆ ਸਕਤੇ ਹੋ ਤੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਗਿਫਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਐਨੀਵੇਸ थैंक यू सो मच जो भी आप लेके आए थे और इतना याद किया आपने दिवाली में उसके लिए थैंक यू सो मच उनका नाम लिखा था शाइना शाइना ओके हाँ जी शाइना शाइना है आप नंबर लिख के देके गए थे कॉल नहीं किया आपने कॉल किया था बोल रहे थे आएंगे बोल के ओके ओके हाँ जी असि कॉल किया मम्मी ने नंबर लिख के देखे थे नाम शाइना लिखा अपना तो थैंक यू शाइना सानू जरूर आके मिलियो सॉरी असि उस वे अवेलेबल नहीं थी तुहाडे वास्ते करे सो होना सी की करना पटका जलाते हैं मुझे बोला नहीं आता पटका पहला सिरे कहती पटका चलाने मैं क्या करे मेरे पाग ते बंदड़ा पटका हां जला दी नहीं पटका जलाते हैं हां साहब हम जलाते पटका और ना पटका क्रैकर से बोल देती हूं क्रैकर्स क्योंकि पटका बोलने नहीं आता है तो मेरे सिक्के में ना क्रैकर से कितने इयर्स से ना बैंड है एकदम बैंड है तो इसीलिए कितने इयर्स से पटेका जलाया ही नहीं मैंने तो आज हम जलाएंगे पटेका क्रैकर्स मेरा भी मजाक हो जाएगा चलो हम आप चलते हैं ऊपर पटाखे चलाने वास्ते आप जा रहे हैं पटेका जलाएंगे पटेका पटेका अब हमारे असली दिवाली शुरू हो रहे मेरे और सरदार जी के पटेका जला के है ना सरदार जी होटल से है नहीं अपने तो बोतल है नहीं तो इसमें ही जलाएंगे बाकी एक पानी खाली करके रखेंगे हो गया ठीक है नहीं नहीं तो बनन दे थोड़ी लंबी हो जाए ਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਉੱਪਰ ਟੈਰਿਸ ਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਟਾਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਟੈਰਿਸ ਚਲ ਆ ਜਾ नहीं यहाँ से ऊपर नहीं हाँ जी हूँ असि आए हैं टेरिस अब हम आ चुके हैं टेरिस पे अब जलाएंगे पटका बोले सो निहाल श्री अकाल ये पकड़ो ओके ये हैप्पी दिवाली गाइस हैप्पी दिवाली बस बस खत्म खत्म हो गया कोई ना अब वो दो 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 और एक भी दे जले बोलते झिरझिरे मुझे मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम
थोड़ी थोड़ी ध्यान ना ये तो स्लो बड़ी चलती पे पता नहीं मैन का आप इसको तो जटैक जटैक हो गया होटल अपने को है नहीं सी आप पाइप एक पिया ईटा के पसा के ना आप जुगाड़ बनाया देसी आते सो हम आप चलाने काशबाणी नहीं आते चबाजी बुकू पिछे नहीं पता नहीं किधर तुर जानी है दूजी चला के देखे खराब था तो वो टैंकी के पिछे रहा पता नहीं मैं था। मैं कहना इतनी लाइट ना जगाई बस गेट बंद कर दे ना अंदर चल जाए सही है भाजी पता नहीं करे खराब थी आप बाद में करना रुक जाओ वो उसे करना टिक्की कितने भाई सिस्टम है और एक टिक्की पीछे
पहली पैराशूट पाट गया साड़ी कोलो आप ही उड़ जाना इन्हें देखते हो उड़ता कि नहीं वैसे वो फूल रहा है लीकेज होगी ना उधर से भी होगी उधर से उसने बोला था इसको ध्यान से पाट गैस बनूगी तो भाई उड़ूगा चंगी तरह भर लेंगे मेरे गैस बन जड़ी खड़े खड़े थे ईदा ते दवालियां लोकां दे चले डीजे साडे सन तालियां वड्डा जिहड़ा शॉट आ ओह चलाउण लग्गिया तुहानूं विखाउणे आ नाल नाल संजय तू चलाना खा जा पीछे रही
180 पटाके चलाए, बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैं भी काफी टाइम बाद पटाके चलाए, मैं भी घट ही पहला चलाउंदा सी, पर पहली दिवाली सी, तंजा नु भी बेचारी नु बड़ा टाइम हो गया सी, स्कूल टाइम दे इहनां दे बंद होए आ पटाके चलाउणे। मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पटेका लेके आएंगे सरदार जी बोल के, तो मुझे अच्छा लगा। हमारे दिवाली अच्छे सेलिब्रेट कर लिया हमने, एंड मम्मी डैडी वीडियोस में नहीं आए क्योंकि सच्ची में मम्मी बीमार है, तभी हमने अभी ये वाले नया घर में सेलिब्रेट किया, ओल्ड वाले घर में नहीं किया मम्मी बीमार होने के कारण। एनीवेज नेक्स्ट टाइम मम्मी डैडी को साथ में वीडियो में लेके आएंगे, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, once again happy birthday all of you। मेरा बर्थडे आने वाला है इसलिए once again happy birthday बोल रही थी। once again happy Diwali to all of you, once again happy Diwali to all of you guys। अपने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना। और अब हम कहाँ जाएंगे? ओ, हम जाएंगे तो खाने के लिए जाते हैं ना। चलो ठीक है, हम तो अब जाएंगे खाने के लिए, वो भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स दिखाते है। ओके, हुण असीं चलदे हां जी, थोड़े पटाकियां दा खलारा चकना पैना। फिर आपको डांटेंगे ना सरदार जी, डांटेंगे। हां जी, हां जी, सो असि दोवें हुण जा रहे हां डिनर करन वास्ते बाहर। ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਨਾ, ਜਿਸੇ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਤਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਬੋਲਤੇ ਤੁਹਾਰੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਕਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸੇ ਵੀ ਆਜ ਲੜ ਲਿਆ ਬਲੌਗ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹਾ ਇਤਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ तुम्हारे जितने भी लोग पसंद करने वाले वो लोग वेट कर रहे, तुमने दिवाली का ब्लॉग नहीं बनाया बोल के मेरे को भी मम्मी ने ऐसे बोला, थोड़ा जब ब्लॉग तभी हमने आज ब्लॉग बनाया, नहीं तो हमको सच्ची में हमको भी मूड नहीं था इस वाले दिवाली में बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी घर में बीमार होते तो हमको भी तो अच्छा नहीं लगता ब्लॉग बनाने, पर ये फोर्स मम्मी की तरफ से आया था तभी हम दोनों ने वीडियो बनाया था, है ना सरदार जी। अरे आए हैं जलंधर जी, बॉम्बे वेजिटेरियन, मुंबई के लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं और हम जालंधर वाले खाने आए हैं, देखते हैं बम्बई वाले क्या खिलाते हैं। हाँ जी, सो हुण असीं आए सी बॉम्बे वेजिटेरियन, इत्थे वेटिंग चलदा पिया, हमारे कितने नंबर 60 ਉਦੋਂ 47 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਬਫੇ ਖਾਣ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਨਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਫੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨਿਊਡਲ, ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਨਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਬਫੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ 9 ਸਾਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ, ਸੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਆਪਕੋ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਡਿਨਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਡਿਨਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਰਾਜਮਾ ਅਤੇ ਰਾਈਸ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਅਸ ਈਟ ਨਾਓ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਨਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਣਾ।
तो सारे नु बहुत बहुत बधाइयां दिवाली दियां ते वाहेगुरु सब नु चढ़दी कला च रखे। हुण इत्थे करदे आं ब्लॉग दा एंड, काफी टाइम हो गया। हां जी, इहदी चुन्नी जिहड़ी ओह हैवी बहुत सी, सूट नाल दी ब्याह दा सूट सी, अज इहने फिर पाया सी। चुन्नी काफी हैवी सी, मैनूं कहा नाले ठंड हो गई आ, चुन्नी इहने ला के अपने स्टॉल लै लिया सी, स्टॉल आ गर्म आ नाले, ते तां करके ख्याल रखना पैंदा, तुहानूं पता सरदारनी दा यार। करते हैं इतने ब्लॉग का एंड, सानू सारे नूं सत श्री अकाल।